कोरोना का कहर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जी हां, झज्जर जिले की कोविड 19 रिपोर्ट हम आपको बता दें, झज्जर जिला में सोमवार की शाम तक बहादुरगढ़ उपमंडल से संबंधित कुल 14 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि मिली है। जी हां, झज्जर जिले में कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और जिस तरह से खबरें आ रही हैं वाकई में चौंकाने वाली खबरें हैं। ऐसे में अब तक झज्जर जिला में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या 56 पहुंच गई है। लॉकडाउन तीसरे चरण में झज्जर जिला वासियों को मिली सशर्त छूट, जिलाधीश ने सशर्त कारोबार करने के दिए आदेश, नियमों की अवहेलना करने वालों पर होगी बड़ी कार्यवाही। बहादुरगढ़ शहरी क्षेत्र व MII पार्ट 1 व 2 में आगामी रविवार तक औद्योगिक इकाइयां शुरू करने की छूट नहीं। जी हां, ये बड़ी खबरें झज्जर से आ रही है। कोविड 19 वैश्विक महामारी के तहत चल रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में आम जन के हितों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन झज्जर की ओर से योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में छूट देते हुए व्यवस्था को बनाए रखने संबंधित आदेश जारी किए गए हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष व DC झज्जर जितेंद्र कुमार ने औद्योगिक इकाइयों सहित जिला के शहरी निकाय क्षेत्र में आने वाली दुकानों का शेड्यूल जारी करते हुए लोगों को राहत पहुंचाने के कदम बढ़ाए हैं। जी हां, आइए आपको बता दें कि किस तरह से डीसी झज्जर ने आज से नई व्यवस्थाएं शुरू की है। डीसी झज्जर ने जारी आदेश में कहा कि बहादुरगढ़ उपमंडल औद्योगिक नगरी के रूप में अस्तित्व रखता है, ऐसे में बहादुरगढ़ HSIDC सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाइयां व जिला के अन्य स्थानों की औद्योगिक इकाइयों को 50% कर्मचारी के साथ शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए निर्धारित नियमों के अनुपालना करवाते हुए सशर्त चलने की छूट प्रदान की जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बहादुरगढ़ शहरी क्षेत्र में मौजूद औद्योगिक इकाइयों को तथा MII पार्ट 1 व 2 में आगामी रविवार तक औद्योगिक इकाइयां शुरू करने की छूट नहीं दी जाती है। आगामी सोमवार से अनुमति के आधार पर ही उक्त क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां सशर्त शुरू हो सकती हैं। डीसी झज्जर ने कहा कि हरियाणा सरल हरियाणा पोर्टल पर नए वर्जन के साथ आवेदन करने उपरांत ही औद्योगिक इकाइयों को खोलने की अनुमति होगी। जी हां, ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन व शहरी क्षेत्र में खुलेंगी शेड्यूल के तहत दुकानें। जिला के कंटेनमेंट एरिया व बहादुरगढ़ शहरी क्षेत्र में नहीं खुलेंगी दुकानें। डीसी झज्जर जितेंद्र कुमार ने कहा कि झज्जर जिला में कोविड 19 के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत बनाए गए कंटेनमेंट एरिया सहित बहादुरगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में अभी कोई छूट प्रदान नहीं की जा रही है। उक्त एरिया में अभी पूर्ण रूप से लॉकडाउन प्रभावी रूप से लागू रहेगा। कंटेनमेंट एरिया में बहादुरगढ़ शहरी क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थानों के लिए शेड्यूल जारी। आइए आपको बताते हैं किन किन चीजों में मिलेगी छूट। सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की दुकान रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति सुबह 9 बजे से सायं 6 बजे तक रहेगी, किंतु वहां बैठने की अनुमति नहीं है, केवल पैकिंग व होम डिलीवरी की ही अनुमति रहेगी। दूध एवं डेयरी उत्पाद, मिठाई की दुकानें, टी स्टॉल व किरियाने की दुकानें रोजाना सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक व सायं 4 बजे से सायं 7 बजे तक ही खुलेंगी। इसके अलावा हरा अथवा सूखा चारा, कीटनाशक दवाएं, बीज, कृषि व बागवानी उपकरण, पशु आहार, कन्फेक्शनरी, बुक स्टॉल, स्टेशनरी, फोटोस्टेट, फार्म आदि की दुकानें, वीटा बूथ, ड्राई क्लीनर, कृषि यंत्र की दुकानें, ऑटो पार्ट्स व टायर ट्यूब की दुकानें रोजाना सुबह 9 बजे से सायं 6 बजे तक खुल सकती हैं। जनरल स्टोर, शूज व चप्पल की दुकानें, कपड़ा रेडीमेड गारमेंट्स, हैंडलूम, फर्नीचर व लकड़ी की प्लास्टिक की दुकानें, टेंट हाउस व बार्बर शॉप सप्ताह में सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ही खुलेंगी। आयरन स्टोर, हार्डवेयर स्टोर, सैनिटरी स्टोर, स्ट्रेनिंग मटेरियल, भवन निर्माण सामग्री, टाइल्स की दुकानें, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानें, मोबाइल, IT, कंप्यूटर सेल, सर्विस, रिपेयर सेंटर, ऑप्टिकल शॉप,
घड़ी शॉप, बर्तन व क्रॉकरी शॉप, ज्वेलरी शॉप तथा उपरोक्त दर्शाई गई दुकानों में से जो बच गई वह मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को सुबह 3 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ही खुलेंगी। झज्जर जिला में पेट्रोल पंप सुबह 7 बजे से साय 7 बजे तक रोजाना खुले रहेंगे। जिला झज्जर के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित दुकानें जो किसी भी रूप में कंटेनमेंट एरिया में नहीं है वे सुबह 9 बजे से साय 7 बजे तक ही खुलेंगी। मेडिकल शॉप, दूध अथवा डेयरी उत्पाद की दुकानों को छोड़कर रविवार को कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। निर्धारित नियमों की पालना सुनिश्चित नहीं की तो होगी बड़ी कड़ी कार्यवाही। डीसी झज्जर जितेंद्र कुमार ने उपरोक्त छूट प्राप्त दुकानों व अन्य प्रतिष्ठान के खुलने के साथ ही कोविड-19 से बचाव के लिए सुरक्षात्मक रूप से कदम उठाने के भी आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दुकानदार विशेष तौर से फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा और जो भी कर्मचारी उनकी दुकान पर कार्य कर रहे हैं तथा दुकान पर आने वाले ग्राहक को भी मास्क पहनना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि दुकान खुलने पर शारीरिक दूरी की पालना सुनिश्चित की जाए। दुकान के काउंटर, डेस्क अथवा कुर्सियों को दिन में 2 बार सैनिटाइज किया जाए। दुकान के सामने कोई वाहन खड़ा नहीं होना चाहिए। दुकान के निर्धारित दायरे से बाहर कोई सामान नहीं रखा होना चाहिए। पांच या इससे अधिक व्यक्ति दुकानदार व कर्मचारी सहित प्रतिष्ठान में एकत्रित नहीं हो सकते। सभी दुकानदारों को अपने स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु ऐप निश्चित तौर पर डाउनलोड करना होगा। वहीं झज्जर सब्जी मंडी थोक विक्रेताओं के लिए शुरू कर दी गई है। बहादुरगढ़ सब्जी मंडी रहेगी अभी बंद। जी हां, डीसी झज्जर ने कहा कि झज्जर जिला में कोविड-19 के अधिकतर मामले सब्जी मंडी से संबंधित रहे हैं। ऐसे में झज्जर सब्जी मंडी की सभी आढ़तियों श्रमिकों की सैंपलिंग हो चुकी और नेगेटिव रिपोर्ट भी मिल चुकी है। ऐसे में झज्जर सब्जी मंडी को थोक विक्रेताओं के लिए खोला जा रहा है। बहादुरगढ़ सब्जी मंडी अभी कंटेनमेंट एरिया में शामिल है, इसलिए आगामी 13 मई तक बहादुरगढ़ सब्जी मंडी पूर्ण रूप से बंद रहेगी। आमजन की व्यवस्था के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मारी दुकान हर वार्ड में ताजा सब्जियों सहित मास्क व सैनिटाइजर बहादुरगढ़ शहरी क्षेत्र में उचित दर पर मुहैया कराने के लिए चल रहे हैं। लॉकडाउन के तीसरे चरण पर देखिए किन किन चीजों पर रहेगी पाबंदी। डीसी झज्जर ने कहा कि आगामी 2 सप्ताह के लिए झज्जर जिला में रेल, मेट्रो, बस सेवाएं पूर्णतया बंद रहेंगी। सभी स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभागार आदि बंद रहेंगे। किसी भी रूप से सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों के आयोजन नहीं होंगे। साथ ही सभी धार्मिक स्थान, मंदिर आदि आमजन के लिए पूर्ण रूप से लॉकडाउन में बंद रहेंगे। अवहेलना करने वालों पर है प्रशासन की पहली नजर। जी हां, डीसी झज्जर ने कहा है कि निर्धारित किए गए मापदंडों की अनुपालना करवाना पुलिस टीम के साथ संबंधित एसडीओ द्वारा, पुलिस व संबंधित एसडीएम द्वारा सुनिश्चित होगी। नगराधीश की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा नियमित शहरी क्षेत्र की चेकिंग भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में निर्धारित नियमों की अवहेलना न हो इसके लिए पूरी गंभीरता बरती जा रही है और प्रशासन की पैनी नजर है। लॉकडाउन की अवहेलना ना हो इसके लिए पूरी गंभीरता बरती जा रही है और प्रशासन की हर पहलू पर पारखी नजर है। डीसी देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में 3 अहम मुद्दे हैं। पहला मुद्दा इंडस्ट्रीज, दूसरा हमारी मुख्य मार्केट और तीसरा माइग्रेंट लेबर। पहला विषय इंडस्ट्री का, उसके ऊपर जैसे कि एमएचए के दिशा निर्देश आए हुए हैं, हम अब तक ऑरेंज जोन में दिखाए गए हैं, लेकिन पिछले 1 वीक में हमारे यहाँ जितने कोविड केसेस बढ़े हैं उसकी संख्या को देखते हुए हम रेड जोन में। रेड जोन के अंदर एमसी एरिया में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बंद हैं। इसके साथ ही एमआई पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि दिल्ली और एमसी एरिया के बीच में लगता है
बहुत कंजस्टेड है और वो सारी लेबर उस एरिया से आती है जो मेनली हमारे कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं। संडे तक एमआई बंद रहेंगे, एमआई पार्ट वन और पार्ट टू। नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसलिए सभी लॉकडाउन की पालना करें, दिशा निर्देशों की अनुपालना करते हुए लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। जी हाँ, झज्जर जिले की प्रमुख खबरें हमने आपको बताई। समाचार कैरी के सौजन्य से ब्यूरो चीफ संजय शर्मा की खास रिपोर्ट। उनको स्वतः अपनी छह शर्तों पर अप्लाई करने के बाद परमिशन मिल जाएगी। तो मेरा निवेदन सभी इंडस्ट्रियलिस्टों से है कि नए वर्जन के ऊपर वो अप्लाई करें ताकि उनको स्वतः ये परमिशन मिल जाए। वे अपनी लेबर को भी वो ये कहें कि जल्दी ही उनकी फैक्ट्री स्टार्ट होने जा रही है और वो कहीं इधर उधर ना जाएं। दूसरा विषय है मार्केट्स का। मार्केट्स के दो पहलू, बहादुरगढ़ और बहादुरगढ़ एमसी के अलावा सारे जिले की मार्केट्स। झज्जर की सभी मार्केट्स को कल से हमने खोलने के निर्देश कर दिए हैं। उनके अलग अलग समय निर्धारित किए हैं, अलग अलग दिन निर्धारित किए हैं, जिनका पूर्णतः ब्यौरा आपको दे दिया जाएगा। रूरल एरिया के अंदर हर रोज सारी की सारी दुकानें खुल सकती हैं। बहादुरगढ़ एमसी एरिया से बाहर सारी दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन बहादुरगढ़ एमसी के अंदर जो दुकानें हमने अलग अलग ऑर्डरों से अब तक खोली हैं वही खुलेंगी। और अगला निर्णय इस बारे में 7 दिन बाद जैसी स्थिति बनेगी उसके अनुसार लिया जाएगा। इसके अलावा एक और पिछले एक वीक से विषय है जो कि बहुत अहम है, जिसके बारे में मैं भी जनता को बताना चाहूँगा, जिलेवासियों को बताना चाहूँगा, वो है मार्केट्स, सब्जी मंडियाँ। सब्जी मंडी झज्जर अब नॉर्मल तरीके से काम कर रही है, उसमें किसी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक आदमी जो सब्जी मंडी के व्यापार से जुड़ा हुआ था, सबके सैंपल लेके उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं। बहादुरगढ़ मंडी के अंदर क्योंकि कोविड पॉजिटिव्स की संख्या ज़्यादा आई है, करीबन आज तक वहाँ 28 लोग ऐसे जो बिल्कुल सब्जी मंडी में काम करते थे, चाहे वो आड़ती थे या उनसे जुड़े हुए दूसरे लोग थे, वो पॉजिटिव आए हैं। वह कुछ उनके परिवार के सदस्य वो पॉजिटिव आए हैं, इसलिए उस मंडी को हम 14 दिन तक यानी आने वाली 13 तारीख तक बंद रखेंगे। लोगों को असुविधा ना हो इसके लिए हमने एक व्यवस्था कायम की है, जिसके अंदर हम डायरेक्टली फार्मर से सब्जी परचेज करके और लोगों को घर घर तक भेज रहे हैं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हमने व्यवस्था की है और हर वार्ड में, जैसा कि आज आपने देखा होगा, वो प्रशासन की गाड़ियां आनी स्टार्ट हो गई हैं। आज सभी 30 वार्डों में 30 गाड़ियां गई थी और जैसी ज़रूरत होगी उसके अनुसार कल परसों हम इन गाड़ियों को बढ़ा देंगे। हर आदमी को फ्रेश और सस्ती सब्जी उसके द्वार पे ही मिलेगी। इसके कई फायदे हैं। एक तरफ जहां फार्मर की सब्जी किसी न किसी रूप में यूटिलाइज ना होने के कारण खराब हो रही थी, उसको पूरा दाम मिलेगा। दूसरा, कंज्यूमर को अपने घर से जाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, जितने भी लोग हम यहाँ भेज रहे हैं उनको पूरी तरह से टेस्ट करके भेज रहे हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो ये प्रशासन की तरफ से गाड़ियाँ जाती हैं इनसे अपनी सब्जी खरीदें और ये नियमित रूप से आपकी सेवा में आगे जब तक ज़रूरत रहेगी तब तक आती रहेगी। एक अहम और मुद्दा है आज के दिन, वो है ऐसे जो प्रवासी अपने स्टेट्स को जाना चाहते हैं, अपने घरों को जाना चाहते हैं, उनके लिए सरकार ने एक पोर्टल जारी किया है। पोर्टल के बारे में आपको बार बार बता दिया गया है। मेरा सभी से निवेदन है कि इसमें कोई भागदौड़ ना करें। आप पोर्टल के ऊपर रजिस्टर कीजिएगा,
बहुत ही जरूरी है तो जाएं, वरना आप यहाँ सारी मार्केट्स, सारी इंडस्ट्रीज खुल जाएंगी, आप अपना काम करें। सभी सीएस